अब बहुएं इस जलते हुए दिए को मटके पर रखेंगी। और उस मटके को अपने सर पर रखकर अपनी सांस के नक्शे कदम पर चलेंगी। आप लोग जितना आसान सोच रहे हैं उतना आसान ये है नहीं। दरअसल उन्हें मटके को बिना हाथ लगाए आगे चलना है। और बहुएं जितना अधिक अपने सांस के नक्शे कदम पर आगे चल पाएंगी उतने ही ज्यादा उन्हें अंक मिलेंगे और वो अगले राउंड में प्रवेश कर पाएंगी। तो बहुएं तैयार हैं? तो अब हम ये प्रतियोगिता यहां शुरू करते हैं। बहुएं चलना शुरू करेंगी। संभाल के भारती, जल्दी मत करना, आराम से आना। मैं जीतूं या ना जीतूं पर तुझे नहीं जीतने दूंगी, मेरी जगह लेगी। रुंझुन बहुत अच्छा करिए बहू। रुंझुन तुम तो अभी घर में नहीं नहीं आई हो, नहीं बहू हो ना। जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुमने देखा नहीं तुम्हारे सामने कैसे मम्मी जी ने मेरे साथ छोड़ी तोड़ के तुम्हारे साथ बना ली। तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? अरे तुम मेरी बात से ध्यान भी दे रही हो या नहीं? अरे हाँ ना कुछ जवाब तो दो। अरे बोलो। झुंझुन और जानकी जी के मटके गिर गए हैं और फिलहाल उन्हें बाहर रहना होगा। अरे बड़ी बहू, तूने मेरी छोटी बहू का भी मटका गिरा दिया। अरे मैंने क्या गिराया, उसने मेरा गिरा दिया। अरे वो डिस्टर्ब तो तूने ही किया ना उसे। हाँ मैंने बैलेंस खराब किया, आपने बड़ा देखा। हाय भलाई का तो जमाना ही नहीं है, भगवान झूठ ना बुलाए। खुद जीतती नहीं है दूसरों को जीतने देती नहीं है। झुंझुन बहू तूने उसकी बात पे क्यों ध्यान दिया? ये तो बड़ी घटना होगी। किस्मत का अब आस्था ये चार कदम ही तुम चल सकती थी क्योंकि पांचवे कदम पर मैंने तुम्हारे लिए खास इंतजाम करके रखा है।
आस्था तुम्हारे मटके में आग लग गई है, नीचे उतारो उसे। जीतनी है कंपटीशन। नहीं मम्मी जी, प्लीज मुझे ये कंपटीशन जीतना ही। आशा लेकिन शिट, प्लीज आप सबको मेरी कसम है, आप प्लीज पीछे हट जाइए। जीतने के लिए दो कदम और। बेटा तुम ठीक हो? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। आस्था क्या जरूरत है इतना खतरा मोल लेने की? आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम्हारा हाथ कितना जल गया। आशा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं है शिव, तुम चलो मेरे साथ। आशा मैं ठीक हूँ सच। मतलब मैं ठीक हूँ। कमाल का जज्बा दिखाया इन्होंने, इनके सर पर आग थी और फिर भी विजेता बनकर निकली। अरे आप कितना जल गए। आस्था मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम बैठो मैं अभी आई। क्या जरूरत थी उस मटके को हाथ लगाने की? आस्था क्या जरूरत थी उस जत्थे मटके को अपने सर पे रखने की? पता है तुम्हारा हाथ जल सकता था, तुम्हें कुछ हो जाता तो। आशा तुम्हारा सर भी जल सकता था, अगर कुछ हो जाता तो। पता है मेरी तो जान निकल गई थी जब मैंने देखा कि तुम उस जलते हुए मटके को हाथ लगा रहे हो। पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी जब मैंने देखा कि तुम उस चलते हुए मटके को अपने सर पे रख के चल रही हो। शिव मजाक मत करो। अच्छा तुम बोलो तो सीरियस, मैं बोलो तो मजाक। नहीं गुस्सा आ रहा है। सुन क्या जरूरत थी तुम्हें वो करने की? मेरा हाथ थोड़ा क्या जल गया तुम्हें इतनी तकलीफ होगी? और तुम उस जलते हुए मटके को अपने सर पे लेके चल रही थी तो क्या मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी? आस्था आज के जमाने में झांसी की रानी की मिसाल देना ही ठीक है, झांसी की रानी बनना नहीं। बट खैर
जब तुम झांसी की रानी बनी गई हो तो मेरी तरफ से तुम्हें रैंक सैल्यूट। आप कैसे हैं बेटा? माँ मेरा हाथ तो ठीक है लेकिन आप अपनी बहू से पूछिए कि वो कैसी है। आखिर कहां से लाती है इतनी हिम्मत? बस सर पे मटका था और मटके में आग लगी थी लेकिन फिर भी रुकी नहीं। व्हाट अ परफॉर्मर। आपके कदमों को फॉलो करी थी और सिर्फ गेम ही नहीं असल में भी आपके नक्शे कदम पर चल रही। ऐसे ना मुझे लगता है कि ये जो मेरे लकी बैंड है इन्होंने आप दोनों का साथ दिया है। हाँ मुझे ये लगता है कि आपका ये जो सपना है ना वो आप दोनों मिलकर पूरा करें। अरे ये फर्स्ट राउंड का रिजल्ट क्या है पता करते हैं ना। आओ ना आस्था आइए। आती हूँ बेटा। मम्मी जी आप कुछ कहेंगी नहीं? कहूंगी ना। आस्था बहादुरी और बेवकूफी में वो छोटा सा फर्क होता है और जो इंसान ये फर्क समझ ले वो जिंदगी में किसी भी चीज को मात दे सकता है। तुम्हारे सर पर जो मटका चल रहा था तुम्हें उसी वक्त वो मटका नीचे रख देना चाहिए था। उससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी ना उसके वजह से शायद हम वो राउंड हार जाते। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो राउंड तो क्या हम तो कंपटीशन से ही बाहर हो जाते। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को याद रखोगी और दोबारा ऐसी बहादुरी मेरा मतलब है ऐसी बेवकूफी नहीं करोगी। जल्दी से बाहर आ जा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।